हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। और सी सेट की आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करने वाली हूँ परसेंटेज। हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे परसेंटेज पे बेस्ड। जैसे कि क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में आ रहे हैं, आपने देखा डायरेक्ट क्वेश्चंस तो आते नहीं एग्जाम के अंदर, एक पर्टिकुलर कोई स्टेटमेंट आ जाती है और उस स्टेटमेंट को पहले समझना है, फिर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसी तरह से कुछ क्वेश्चंस आज मैंने कोशिश करी है कि आप लोगों के साथ में डिस्कस किए जाएँ, साथ में मेरे सभी ने सोल्व करने क्वेश्चंस, ओके। और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताएंगे कि कितने क्वेश्चंस आपके करेक्ट थे। डन, तो करें स्टार्ट। हाँ जी, उससे पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों को किसी पर्टिकुलर टॉपिक में इश्यू आ रहा है, लाइक परसेंटेज, बोट एंड स्ट्रीम, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड एडिकेशन, कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसके अंदर अगर आपको लगता है कि मुझे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो उसके लिए अभी पीडिया आप लोगों को माइक्रो कोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है। बेटा, माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो, आपको पूरा कंप्लीट कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा क्वांट लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरा लॉजिकल रीजनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका बेनिफिट यही रहता है कि आप उस पर्टिकुलर टॉपिक को ले सकते हो। इसके अलावा जैसे कि सभी को पता है कि एग्ज़ाम के अंदर टाइम बहुत कम है, ऑलमोस्ट अपने पास में वन मंथ है, 5 को तो एग्ज़ाम हो ही जाना है। तो अब उस केस के अंदर अभी आप लोगों के लिए हमने सोचा कि भाई एक बच्चों को कैसे प्रोवाइड किया जाए कि एक महीने में वो तैयारी कर ले, तो 1 मंथ की सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड की है, सो दैट कि आप जितना भी प्राइम कंटेंट है उसको 1 मंथ आपको एसेस मिल जाए। तो उसके लिए आपको फुल सब्सक्रिप्शन लेनी है 1 मंथ की। दिस इज़ वेरी रीजनेबल कि हाँ जी 1500 के अंदर आपको 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, जिसमें आपको सारे माइक्रो कोर्सेज भी मिल रहे हैं, मॉड्यूल्स भी मिल रहे हैं, सारा मिल रहा है। तो आप वहाँ से सब्सक्राइब कर सकते हो, 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हो, ओके। तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक भी अवेलेबल है। अगर आप इसी बार एग्जाम दे रहे हो तो 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन आई थिंक मोर देन एनफ रहेगा आप लोगों के लिए, आप उसको ले सकते हो। डिस्क्रिप्शन में से लिंक आप चेक कर सकते हो, तो वहाँ से आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगी, ठीक है। जो स्टूडेंट नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनके लिए 6 मंथ्स का, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है। जो इस बार के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन अभी स्पेशली हमने प्रोवाइड किया है कि आप 1 मंथ के लिए ले सको। डन, तो बेटा सभी एक बार चेक जरूर कर लेंगे। अब आए हम अपने क्वेश्चंस पे, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है क्वेश्चन आपके पास। टू फ्रेंड्स आकाश एंड बिनू हैड सम कैंडीज ईच, दोनों के पास कुछ कैंडीज है। दो फ्रेंड्स हैं, कौन कौन है, वन इज आकाश एंड सेकेंड वन इज बिनू। वन ऑफ देम हैड 15 कैंडीज, एक के बाद 15 कैंडीज ज्यादा है देन अदर्स, एक के पास 15 ज्यादा है किससे, दूसरे से। कितने का डिफरेंस है दोनों के बीच में, 15 कैंडीज का। द कैंडीज विद आकाश वाज 60% ऑफ द टोटल कैंडीज विद देम। अब जो टोटल होता है, हमेशा परसेंटेज में एक पॉइंट का ध्यान रखेंगे कि टोटल हमेशा किसके इक्वल होता है बेटा, 100 के परसेंट। टोटल किसके इक्वल होता है, 100% के इक्वल होता है, ठीक है, परसेंटेज के अंदर। और वैसे अगर हम टोटल देखें तो टोटल किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 के इक्वल होता है, ठीक है। अब उसने क्या कहा कि आकाश है 60% ऑफ टोटल कैंडीज, आकाश के पास कितनी है 60% है, दैट मीन्स कि जो बिनू है उसके पास कितनी हो गई 40%। सिंपल सा पॉइंट है, कितनी हो गई उसके पास में 40%। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, दोनों की रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। जब हम यहां से रेशियो देखेंगे तो, या फिर देखो दो मेथड है, एक तो रेशियो से भी कर सकते हो, डायरेक्टली कर सकते हो, दोनों बताते हैं मैं आपको। एक तो ये हो गया कि यहां से हमें क्या पता चला, डायरेक्ट करेंगे अगर तो दोनों के बीच में कितने का फर्क है, 20% का डिफरेंस आ रहा है, 20% का डिफरेंस आ रहा है। दैट मीन्स कि जो 20% ऑफ टोटल है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल। ये क्या कह रहा है, एक के पास दूसरे से 15 ज्यादा है। दूसरा ये क्या कह रहा है, एक के पास 60% है, एक के पास 40% है। दैट मीन्स कि 20% मीन्स कि जो 20% ऑफ टोटल है वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। तो टोटल कितनी होगी हमारे पास में, 15 into, अब ये देखो ये 20% है, 20% दैट मीन्स कि 1/5 कितनी होगी बेटा, 1/5, तो ये कितना हो गया, into 5, 75। दैट मीन्स कि टोटल कैंडीज कितनी है, 75। सिंपल, अगर ऐसे थोड़ी कंफ्यूजन होती तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, 1/5 दैट मीन्स 20% ऑफ t इज इक्वल टू 15, 1/5
कितना आ गया 75. अब टोटल कैंडीज कितनी है 75. अब 75 का ये कितना है 60%, तो 60% कितना हो गया आपके पास में 45, और ये हो गया 40%, तो 40% कितना हो गया आपके पास 30. क्लियर? दूसरा रेशियो से कैसे करेंगे? मैं दोनों मेथड इसलिए बता रही क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन एज इट इज नहीं आएगा, एज इट इज नहीं आएगा. आपको पता होना चाहिए कि अगर मेरे पास में परसेंटेज है तो मैं रेशियो कैसे फाइंड आउट कर लूँ, रेशियो है तो मैं परसेंटेज कैसे फाइंड आउट कर लूँ, कौन सा मेथड मैं यूज कर लूँ, तो वो आपको सभी पता होना चाहिए. तो अब देखो, अगर मैं इसी कोई रेशियो से करती हूँ, रेशियो रेशियो दैट मीन्स वट, कि अगर हम यहीं पर देखते हैं बेटा, ये मुझे पता चल गया. अब रेशियो अगर मैं देखूं, दैट मीन्स कि कैंसिल आउट करेंगे, ये हो गया मेरे पास 3, ये हो गया मेरे पास 2. दैट मीन्स कि रेशियो कितनी आ गई हमारे पास में 3:2. अब इन दोनों का डिफरेंस, डिफरेंस दैट मीन्स कि 3 - 2 = 15. दैट मीन्स कि दिस 3 = कितना हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 45, और 2 = कितना हो गया 30. हाँ जी बताइए, जो आपको ईजी लगता उससे कर लो. हाँ, बट पता होना चाहिए कि परसेंटेज का यहाँ पे क्या कंसेप्ट है. बिल्कुल क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहते हैं इफ m इज इक्वल टू y% ऑफ z, m इज इक्वल टू y% ऑफ z एंड n इज इक्वल टू z% ऑफ y, देन विच ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी ट्रू. अब यहाँ पे देखो, जब भी आपके पास में इस तरह की कोई भी स्टेटमेंट आती है, दैट मीन्स कि इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है कि y परसेंट ऑफ z को आप z परसेंट ऑफ y भी लिख सकते हो. अगर मैं कहती हूँ कि 80% ऑफ 20, या फिर मैं ये कहूँ 20% ऑफ 80, तो दोनों केसेस में क्या रहेगा, आंसर सेम रहेगा. इस पॉइंट का हमेशा ध्यान रखना कि इसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि अगर मैं आगे पीछे लिखूँ. ओके, तो यहां पे इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, जेड परसेंट ऑफ वाई. डन. अब ये किसके इक्वल है, जेड परसेंट ऑफ वाई, दैट मीन्स कि ये किसके इक्वल है, एन के. तो क्या निकल के आया मेरे पास में कि एम इज इक्वल टू एन, एम इज इक्वल टू एन. तो आंसर क्या रहेगा आपके पास, ऑप्शन डी. लेस देन ग्रेटर देन नहीं होगा, क्या रहेगा, दोनों इक्वल रहेंगे, दोनों इक्वल रहे. पॉइंट इज क्लियर? ओके, नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, सोनी इज 20% हैवियर देन रेखा. जो सोनी है वो क्या है, 20% हैवियर है रेखा से. बाय हाउ मच परसेंट रेखा इज लाइटर देन सोनी. अब जब इस तरह का क्वेश्चन आता है तो हमारे माइंड में आता है कि अगर मान लो, अगर मान लीजिए 2% है, अगर इसका वेट है 50 kg और इसका वेट है 30 kg, तो दोनों का डिफरेंस कितना है, दैट मीन्स कि सोनी इज 20 kg मोर देन रेखा एंड रेखा इज 20 kg लेस देन सोनी. तो हमारे पास में सेम आंसर आएगा. बट अगर आ जाता है आपके पास में परसेंटेज, तो परसेंटेज के साथ से ही आंसर चेंज हो जाएगा, सेम नहीं आएगा. तो जो भी स्टूडेंट सोच रहे कि ए आंसर आएगा, उनका बिल्कुल गलत हो जाएगा, उनका बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा. कब, जब अगर वो सोचते हैं कि भाई सेम ही रहेगा, जितना परसेंट ज्यादा हैवियर है उतना ही लाइटर रहेगा दूसरा पर्सन. नहीं. अब देखो यहां पे बेटा दो लोग हैं, वन इज सोनी एंड वन इज रेखा. क्या कह, सोनी 20% हैवियर है किससे, रेखा से. तो अगर मान लो रेखा 100 है तो ये कितनी होगी, 120 हो गया. कितना हो गया, 120 हो गया. ठीक है, अब यहाँ पे इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितने का है, 20 का. तो दूसरे, अगर हमारे पास में पूछी जाए रेखा, तो अगर हम रेखा की बात करें तो रेखा कितनी लाइटर है, 20. बट अब चेक करो कि किससे, सोनी से. दैट मीन्स कि जब हम परसेंटेज फाइंड आउट करते हैं तो जिससे कंपेरिजन किया जाए ना उससे डिवाइड करेंगे. तो सोनी की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 120 × 100. That means कि 1/6 means 16:67%. So answer क्या आ जाएगा आपके पास, ऑप्शन सी, 16.67%. पॉइंट क्लियर है? रेशियो से भी कर सकते हो, अगेन रेशियो से कर सकते हो आप. यहाँ पे ये अगर मैं रेशियो से करूँ तो यहाँ पे बेटा रेशियो आ जाएगी आपके पास में 6:5.
अब देखो डिफरेंस कितना आ गया, 1, तो 1/6, 1/6 की डायरेक्ट वैल्यू आपको वैसे पता होनी चाहिए, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, 1/6, 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है, 16.67%, डायरेक्टली आंसर आ गया। तो मैंने दोनों से बता दिया, आपको रेशियो से भी कर सकते हो इसको और ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर, कोई इसमें डाउट? नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्स ऑन एन आर्टिकल इज इंक्रीज्ड बाय 20% एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंजप्शन इज डिक्रीज्ड बाय 25%, व्हाट इज द परसेंटेज चेंज इन टैक्स रेवेन्यू रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम हिज दिस आर्टिकल। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज के अंदर चेंजेस हो रहे हैं, एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी वहीं पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, वन इज इंक्रीजिंग सेकंड इज डिक्रीजिंग। अब इस केस के अंदर जब आपको परसेंटेज चेंज फाइंड आउट करना है तो परसेंटेज क्या होता है, आउट ऑफ 100 होता है, हमेशा आउट ऑफ 100 होता है। तो देखो अगर मैं ये कहूँ कि यहाँ पे परसेंटेज चेंज कितना रहेगा, तो अगर हम प्रीवियस देखें, प्रीवियस हमारे पास में जो टैक्स रेवेन्यू है मैं कंसिडर कर रही हूँ कि 100 था, 100 था, ठीक है, आफ्टर चेंजेस कितना हो गया, क्या है 100। अब उसने क्या कहा, हाँ जी जो टैक्स है वो क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, इंक्रीज हो गया, तो 100 से कितना हो गया 120। ध्यान रखो जब भी परसेंटेज में बात हो रही है और इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज दैट मींस 100 में उसको आप ऐड कर दोगे उतना परसेंट हो गया, डिक्रीज दैट मींस कि आप माइनस कर दोगे, तो यहाँ पे कितना हो गया बेटा 120%, परसेंट मींस डिवाइडेड बाय 100, एज ए रिजल्ट ऑफ विच कंजप्शन डिक्रीज बाय 25%, कंजप्शन कितनी कम होगी 25%, अब लेस हुई है दैट मींस कि कितना हो गया 75। ओके सॉल्व करो कितनी वैल्यू आ गई, 25, 75, 25, 24, 100, और ये हो गया हमारे पास में दैट मींस कि 90, दैट मींस कि यहां पे अगर हम देखें कि कितना परसेंटेज चेंज आया, परसेंटेज चेंज, हाँ जी परसेंटेज चेंज कितना आया, 100 था, अब कितना हो गया 90, दैट मींस कि 10। किस में से कैलकुलेट करना है, पहले 100 था तो 100 में से, और किसी भी वैल्यू का 100 में से होना क्या होता है, उसकी परसेंटेज, तो आंसर क्या आ गया आपके पास में 10%। सो आंसर क्या आ जाएगा, 10% डिक्रीज। बताओ इसमें कोई डाउट, सिंपल था। अब इसको आप सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो, जब भी आपके पास इस तरह से क्वेश्चन आता है जिसमें दो जगह पे परसेंटेज चेंज हो रहा है, दो जगह पे परसेंटेज चेंज हो रहा है, चाहे वो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास में एरिया का, चाहे आपके पास में क्वेश्चन आ रहा है इस तरह से कोई भी, या फिर कोई और वैल्यू के अंदर, हम सैलरी के अंदर ही कह देते पहले इंक्रीज होगी फिर डिक्रीज होगी, मैं जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है जिसमें दो जगह पे चेंजेस आ रहे हैं परसेंटेज के अंदर और आपको नेट इफेक्ट फाइंड आउट करना है, इन दैट केस यू कैन डायरेक्टली अप्लाई सक्सेसिव मेथड। सक्सेसिव मेथड क्या कहता है आपको, पर नेट चेंज क्या होगा, नेट परसेंटेज चेंज, नेट परसेंटेज चेंज क्या आएगा आपके पास, प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाय 100। अब यहां पे हर एक जगह मैंने प्लस माइनस क्यों लगाया, प्लस माइनस का मेरा मोटिव क्या है कि अगर बेटा इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है तो क्या करोगे, प्लस में लेंगे वैल्यू को, पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करोगे आप, अगर डिक्रीज हो रहा है तो नेगेटिव वैल्यू कंसीडर कर रहे हैं। ओके अब जैसे यहीं पे क्या है आपके पास, इंक्रीज हो रहा है बाय 20% तो क्या लोगे 20, सेकंड में क्या कह रहा है डिक्रीज हो रहा है बाय 25% क्या लेंगे माइनस। अब अगर मान लो मैं यहाँ पे प्लस लेती हूँ तो यहाँ पे पहले इंक्रीज था उसके बाद में क्या है डिक्रीज है डिवाइडेड बाय 100, वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे नेगेटिव में, दैट मींस कि -5, और ये क्या आएगा आपके पास में -5, दोनों ही माइनस में आएंगे दैट मींस कि -10। जैसे ही माइनस आया, माइनस का मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट मींस इंक्रीज, अगर पॉजिटिव वैल्यू आएगी दैट मींस कि इंक्रीज में आंसर आएगा, अगर नेगेटिव में वैल्यू आ रही दैट मींस कि डिक्रीज में आंसर आएगा। ओके नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कह रहा है एन एग्जीबिशन वाज कंडक्टेड फॉर 4 वीक्स, द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन सेकेंड वीक वाज इंक्रीज्ड बाय 20% एंड इंक्रीज्ड बाय
16% इन द थर्ड वीक. उसके बाद है बट डिक्रीज्ड बाय 20% इन द फोर्थ वर्क वीक. देखो चार वीक के लिए है, अब कह रहा है कभी इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे फोर्थ क्या कह रहा है, पहले इंक्रीज है 20% का, देन इंक्रीज है 16% का, और उसके बाद क्या कह रहा है डिक्रीज है 20% का. फाइंड द नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इन द बिगिनिंग इफ 1392 टिकट्स वर सोल्ड इन द लास्ट वीक. कह रहा अगर लास्ट के अंदर इतना भी गया तो बताओ स्टार्टिंग में कितना था. तो अभी मैंने आपको क्या पॉइंट बताया कि जब भी आपके पास इंक्रीज या डिक्रीज आ रहा है परसेंटेज के अंदर, तो बेटा जब इंक्रीज है तो प्लस करके उतनी परसेंटेज हो जाएगी. अब देखो यहाँ पे क्या 20% इंक्रीज, दैट मीन्स कि जो एक्चुअल वैल्यू थी मेरे पास में, मान लीजिए एक्स है, एक्चुअल वैल्यू थी उसका कितना हो गया वो 20% ज्यादा, दैट मीन्स कि 120%. अब जो परसेंटेज है, परसेंटेज का मीनिंग क्या होता है आपके पास 100. ओके दूसरा क्या कह रहे हैं, इंक्रीज बाय 16%, दैट मीन्स कि 60. उसके बाद क्या कह रहे हैं, डिक्रीज बाय 20%, दैट मीन्स कि डिक्रीज, और लास्ट में कितना हुआ 1392. ओके हाँ जी समझ आ रहा है, कुछ बिल्कुल क्लियर है. अब देखिए यहां पे हमारे पास में इसको सॉल्व करोगे और आपके पास आंसर आ जाएगा. देखिए ये तो जो जीरोज अपनी डायरेक्टली कैंसिल आउट होगी, ठीक है, ये दो जीरोज आपके पास में डायरेक्टली कैंसिल आउट होगी. अब उसके बाद में देखिए इसको सॉल्व करिए आप, क्या आएगी वैल्यू, अगर हम चार से करते तो ये हो गया 2 और ये हो गया हमारे पास में 25, ठीक है. इसको करो आप 12 से करें कैंसिल आउट, पहले 2 से करते हैं, हो गया 2 × 12, दोनों में 18, 2 × 12. ओके और ये हो गया आपके पास में 6 से चला जाएगा ना, 6 × 36, और ये 6 से कितना हो गया बेटा 2. ओके 2 से ये हो गया हमारे पास में 50, तो x की वैल्यू कितनी होगी 25 × 125, 1250. क्रॉस चला जाएगा ना ये इधर, ये दोनों यहाँ पे डिवीजन में आ रहे हैं तो इधर आके मल्टीप्लीकेशन में आ जाएंगे, कितना हो गया 1250. स्टेटमेंट को देख के कंफ्यूज नहीं होना, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ध्यान रखो अगर इंक्रीज हो रहा है दैट मींस कि उतना ही परसेंट, 100% एक्चुअल होता है, 20% इंक्रीज हो गया दैट मींस कि 120%, 25% इंक्रीज हो गया तो 125, अगर डिक्रीज हो गया 20% तो 80% मींस कि 100 में से उसको प्लस माइनस कर दोगे आप. बताइए कोई इसके अंदर डाउट किसी को, हाँ जी कोई किसी को डाउट आ रहा हो, अगर कोई डाउट आ रहा है कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देंगे. अगर आपको लगता है कि ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं समझ में कर रहे हो देन वेल एंड गुड, अदरवाइज माइक्रो कोर्सेज में जाके पर्टिकुलर टॉपिक को प्रिपेयर कर लो. देखिए बेटा सी सेट को इग्नोर नहीं करना, सी सेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है. फुल सब्सक्रिप्शन भी अवेलेबल है, फुल सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहते हो वो भी कर ले सकते हो 1 मंथ के लिए. अभी हमने स्पेशली आप लोगों को माइंड में रखते हुए कि हाँ जी 1 मंथ बचा है बच्चों के पास में, क्यों कंप्लीट कोर्स का बर्डन डालना है, तो आप फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो फॉर 1 मंथ. 1 मंथ के लिए अभी स्टार्ट किया है तो आप 1 मंथ का ले सकते हो. ओके नेक्स्ट देखिए क्या क्या कह रहा है, इन 1988 ए केजी ऑफ पेपर वाज सोल्ड एट 25 रुपीज. ओके इफ ए पेपर रेट इंक्रीज बाय 1.5% मोर देन द इन्फ्लेशन रेट विच इज 6.5% ए ईयर, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ पेपर आफ्टर 2 ईयर्स. कह रहा है कि 2 साल के बाद में कितना होगा. क्वेश्चन क्लियर हो गया, क्या कह रहा है कि 1980 के अंदर कॉस्टिंग कितनी है 25 है. अब क्या कह रहा है, पेपर का रेट इंक्रीज हो गया कितना 1.5%. ओके मोर देन द इन्फ्लेशन रेट विच इज 6.5%, ठीक है. तो अब यहां पे देखो इन्फ्लेशन रेट से 1.5 ज्यादा, दैट मींस कि कितना कितना, दोनों को ऐड कर देंगे कितना, दैट मींस कि जो पेपर का रेट है वो कितना इंक्रीज हुआ 6.5 + 1.5, दैट मींस कि 8%. कितना इंक्रीज हुआ 8%. अब थोड़ा सा देखो आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की गई, कहता मोर देन, मोर देन किससे ज्यादा, इन्फ्लेशन रेट, इन्फ्लेशन रेट से, जो कि कितना है 6.5%. दैट मींस व्हाट कि जो पेपर का रेट है वो कितना बढ़ रहा है 8% इंक्रीज हो रहा है हर साल. हर साल कितना इंक्रीज हो रहा है 8% इंक्रीज हो रहा है. ओके अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, देन व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ ए केजी ऑफ पेपर आफ्टर 2 ईयर्स, 2 साल के बाद में कितनी कॉस्ट होएगी.
दो साल के बाद कितनी कॉस्ट होगी। अब देखो पहले साल में कितना बढ़ गया, 8%, दैट मीन्स कि कितना हो गया, 108, तो फर्स्ट ईयर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं अगर हम सेकेंड ईयर की, तो सेकेंड ईयर में कितना हो गया, अगेन 108 से बढ़ेगा। ओके, सोल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास में, कॉस्ट आ गई आफ्टर टू ईयर्स। हाँ जी, सोल्व करेंगे एंड यू विल गेट द आंसर, क्या आ गया, 25 चौके 100, 4 से करेंगे, 4 2 8, 4 7 28। ओके, इसको सोल्व करोगे वैल्यू आ जाएगी बेटा, पॉइंट में आएगा ये आपका, 8 7 56, 27 से देखो, 27 से वैसे भी डायरेक्टली कर सकते हो, अगर हम ये करें 100 से तो ये 27 तो सीधा ही आ गया आपके पास में, और प्लस अगर हम देखें तो ये हो गया हमारे पास में 8 7 56, 8 2 16, 16 5 21, तो ये हो गया बेटा अपने पास में, दो कैरी होगी, 29.16 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 29.16 विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंदिता स्कोर 80% मार्क्स इन 5 सब्जेक्ट्स, 5 सब्जेक्ट्स के अंदर नंदिता के 80% मार्क्स आए, दैट इज हिंदी, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश एंड संस्कृत टुगेदर। ओके, वेयर एज इन मैक्सिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट इज 105, एक सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, 105 का, हाउ मैनी मार्क्स डिड नंदिता स्कोर इन साइंस, इफ शी स्कोर्स 89 मार्क्स इन हिंदी, हिंदी में कितने आए बेटा, 89, ठीक है, 92 इन संस्कृत, संस्कृत में आए हैं 92 मार्क्स, 98 इन मैथ्स, मैथ्स में कितने हैं, 98, एंड इंग्लिश में कितने हैं, 81। ओके, अब देखिए जब उसने कहा है कि टोटल 80% आया, दैट मीन्स कि 80% ऑफ टोटल कितना बना, अब एक सब्जेक्ट जो है वो कितने का है, 105 का, ठीक है, कितने सब्जेक्ट्स हैं आपके पास टोटल, 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स कितने के हो गए आपके पास में, 525 के। अब इसका 80% मार्क्स, 80% ऑफ 525 कितना हो जाएगा, हाँ जी, 80% ऑफ 525 कितना हो जाएगा ये आपके पास में, इसको करिए आप सॉल्व, वैसे तो 4/5 आप डायरेक्टली लिख सकते हो, एक बार फिर भी डिटेल में बता देती हूँ, ये हो गया आपके पास बेटा 4/5, 5 से कितना हो गया आपके पास, 420, कितने मार्क्स आ गए, 420 मार्क्स आए उसके, कितने मार्क्स आए, 420 आए। अब उसके अंदर से 4 सब्जेक्ट्स के मार्क्स तो मेरे पास ऑलरेडी है, 5th के मुझे फाइंड आउट करना है, तो अब यहाँ से देखो कितना बना, ये हो गया आपके पास में 9 और 2 11, 11 12 और 8 20, 2 कैरी हो गया बेटा, ये हो गया 9 18 9 17 17 17 34 34 और 2 कैरी 36, दैट मीन्स कि 360 कितने बने उसके पास, 360 मार्क्स उसके पास में 4 सब्जेक्ट्स के हैं, दैट मीन्स कि जो बचे हुए मार्क्स हैं 420 में से वो किसके हैं, जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, कौन सा सब्जेक्ट है, कौन सा नहीं है हमारे पास में, किसका फाइंड आउट करना है हमने, साइंस का फाइंड आउट करना है ना। ये क्या कह रहा है बेटा, हाउ मैनी मार्क्स नंदिता स्कोर इन साइंस, साइंस का हमने फाइंड आउट करना, तो साइंस के अंदर कितने मार्क्स आएंगे, 420 माइनस 360, दैट मीन्स कितना हो गया आपके पास, 60 मार्क्स। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए 60 विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए 60 विल बी द करेक्ट आंसर। हाँ जी, क्लियर है सभी को, कोई इसके अंदर डाउट, ओके नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, जोश इज ए स्टूडेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर इन यूनिवर्सिटी ऑफ होस्ट, इन द हॉर्टिकल्चर एक्सपेरिमेंट इन हिज फाइनल ईयर 200 सीड्स वर प्लांटेड इन प्लॉट वन, कितने हैं 200 प्लॉट वन, 200 सीड्स एंड 300 सीड्स वर प्लॉट इन प्लॉट टू, कितने हैं 300, दिस इज 300, डन। आगे क्या करें, इफ 57% ऑफ सीड्स इन द प्लॉट वन इज जर्मिनेटेड, कितना 57% एंड 42% सीड्स जर्मिनेटेड इन प्लॉट टू, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लांट सीड्स जर्मिनेटेड, तो टोटल का बताओ कितना परसेंट हुआ,
तो अब ऐसा नहीं करना कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए कि हाँ जी दोनों के परसेंटेज को ऐड कर दो और आंसर आ गया, नहीं। उसने क्या कहा कि फर्स्ट के अंदर से कितना परसेंट जर्मिनेट हुए हैं और सेकंड के अंदर से कितना, तो यहाँ से हम देखेंगे कि फर्स्ट में कितना बना। फर्स्ट में बेटा 200 का 57%, या आप ऐसे कह सकते हो कि 200% ऑफ 57, दैट मींस कि 100% का क्या हो गया 1, 200%, दैट मींस कि 2 के इक्वल हो गया। तो 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, 7 × 14, 5 × 10 और 11। ओके, सेकंड के अंदर 42% ऑफ 300, या आप ये कह सकते हो 300% ऑफ 42, एक ही बात है, 100% इज इक्वल टू 1, 300% इज इक्वल टू 3, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ गया आपके पास में, क्लियर। तो टोटल कितने हो गए, अगर हम टोटल करें तो कितना हो गया आपके पास में, 0, 3 और 1, 4, 240, दैट मीन्स कि 240 प्लांट्स जर्मिनेटेड। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन कि कितना परसेंट है, तो कितना परसेंट है 240 किसका, टोटल का। अब टोटल देखिए बेटा कितना था, 200 ये, 300 ये, दैट मींस कि 500, ये कितना हो गया 5 × 20, 5 × 8 = 40, 48%, सो योर आंसर विल बी 48%। पॉइंट क्लियर हुआ कि क्या कह रही हूं मैं यहां पे। अब जैसे यहां पे दो प्लॉट्स थे, अब उसने कहा कि टोटल कितना परसेंट है, तो ऐसा नहीं करना कि इसकी परसेंटेज और इसकी परसेंटेज को ऐड कर दो और आंसर, नहीं ऐसा नहीं होता। क्या करना पड़ेगा आपको, पहले फर्स्ट के लिए कैलकुलेट करोगे, फिर सेकंड के लिए टोटल निकालेंगे, टोटल की परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स के अंदर से। ओके, तो कितना आ गया आपके पास 48%, कितना आ गया 48%, क्लियर। सो आई होप परसेंटेज पे मैंने कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस कराने की कोशिश करी है, सो दैट कि कुछ क्लियरिटी आए। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, कुछ समझ आ रहा है, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। और जो भी फुल सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं बेटा, फुल सब्सक्रिप्शन ले सकते हो 1 मंथ के लिए, क्योंकि 1 मंथ ही एग्जाम के अंदर, तो वहाँ पे आपको सारे जितने भी माइक्रो कोर्सेज, मॉड्यूल कोर्सेज, कंप्लीट कोर्स, सबका आपको एसेस मिल जाएगा 1 मंथ के लिए। और आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग जो जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे उनको आप कवर कर सकते हो। सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।